Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। So guys, आज का जो वीडियो हमारा YouTube कोर्स को हमारा जो चल रहा है उसके अंदर एक और एडवांस बढ़ेंगे स्टेप पे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपने कंपिटिटर से जो है कंपिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं या फिर कंपिटिटर से आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को देखकर अपने चैनल के अंदर जो है किस तरह से आपको काम करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो वो सब चीजें जो है मैं आपको यहाँ पे आज इस पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर जो है प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके जो डेफिनेटली हम लोग भी करते हैं और आपको भी जो है करना चाहिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है मैं अपना एक चैनल ओपन कर लेता हूँ विच इज योर डिजिटल मंजीत। तो मैं यहाँ पे जरा स्विच कर लेता हूँ मेरे चैनल पे। तो ये हमारा है चैनल विच इज योर डिजिटल मंजीत, राइट। सो डिजिटल मंजीत पे आ गए। तो अभी जो है हमें क्या करना, अभी यहाँ पर जो है मुझे मान लीजिए कि इसके बारे में कुछ कंपटीशन कोई कंपटीटर के बारे में मुझे जानना है, मुझे नहीं पता। तो बेसिकली मान लेते हैं कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, तो उसके लिए जो है आपके पास में एक बहुत ही, आप गूगल ओपन कर सकते हैं। दो टूल्स होते हैं, एक होता है आपका ट्यूबबडी, राइट। यहाँ पे ट्यूबबडी करके होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक्सटेंशन काफी अच्छी है जो कि ऑलरेडी यू कैन सी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डली हुई है ये, राइट। तो ये हम यूज कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो दूसरा जो है होता है दैट इज कॉल्ड vidIQ, राइट। सो vidIQ जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टूल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये vidIQ है, तो इसमें आपको जो है क्या करना क्या है। सो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि क्यों आपको कंपिटिटर को एनालाइज करना है। देखो, कभी भी हम कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं तो हम चाहे वो कोई भी XYZ मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अपनी शॉप ओपन करने जा रहे हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई जहां पर हम जिस लोकेशन पे वो शॉप ओपन करने जा रहे हैं वहां पर वाकई उस शॉप का चलने या वो जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली थोड़ा सा मार्केट रिसर्च जो है वो हम लोग हमेशा करते हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत समय पहले से ही चलते आ रहा है। मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, और यही चीज अभी क्योंकि हम ट्रेडिशनल से ऑनलाइन में आ चुके हैं, डिजिटल के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट है वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के अंदर भी हमें जो है ये मार्केट रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे कंपिटिटर कौन कौन है, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो उनके सेल होते हैं, किस तरह का उन्होंने जो है प्रोडक्ट रखा है, क्या क्या सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन के अंदर। तो चलिए यही चीज जो है आपको करनी है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप जो है साइन अप कर सकते हैं। तो मैं किसी भी एक अकाउंट से साइन अप कर लेता हूँ, लेट्स से इससे मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से जो है अपना साइन अप कर सकते हैं। अगर एक बार काम ना करे तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार काम नहीं करता, तो व्हाट यू कैन डू, आप इसमें दोबारा जो है किसी दूसरे अकाउंट से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे सेकेंड टाइम में भी नहीं हुआ, तो एक बार और थोड़ा सा वापस चलते हैं और फिर जो है हम यहाँ से करते हैं। तो अब जो है आई थिंक ये साइन अप हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है क्योंकि हो सकता है इसका कुछ ग्लिच हो, राइट, उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। बट आपको जो दो तीन बार ट्राई करोगे तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं एक बार तो आपका जो है ये हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करके जो है उससे भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ से साइन अप करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के भी साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं, और लास्ट ट्राई करके जो नहीं होता है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, यू कैन सी यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं वही सेम ईमेल आईडी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो ओके, ये यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, आई थिंक ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पर जो है जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारे पास में एक लॉगिन हो रखा है, इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा था, तो हमने यहाँ पे लॉग आउट कर लिया। तो लॉग आउट करके वापस से हम जो है यहाँ पे vidIQ को ओपन करते हैं, बिकॉज पहले से लॉगिन था। तो अभी चलते हैं वापस, और अब जो है एक नए अकाउंट से साइन अप करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक नाउ इट विल वर्क, बिकॉज पहले से लॉगिन था, वो लॉग आउट नहीं था, इस वजह से जो है ये हमें इशू दे रहा था। तो साइन इन टू vidIQ, तो डेफिनेटली हमने जिस अकाउंट को लेना वो अकाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यू कैन सी ये हमारा जो है साइन अप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अगर दोबारा से आप जाएंगे सेम अकाउंट को करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस लॉगिन पेज। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है आपके सामने एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन जो है वो आ चुका। तो लॉगिन विद गूगल अकाउंट, तो जो हमने साइन अप करा है उसी अकाउंट को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मेरे पास काफी सारे अकाउंट्स हैं यहाँ पे,
सो ये हमारा जो है लॉग इन हो गया। तो ये कुछ प्रोसेस है वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से तो भी चल जाएगा। तो यू कैन सी पहले आपको ये बता रहा है एड योर यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड करने के लिए। तो हमें कौन सा यूट्यूब चैनल ऐड करना है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और लेट्स सी कि इसके अंदर हमारे पास में कौन सा है और आगे बढ़ते हैं, अलाउ करते हैं इसको और लेट्स सी इस तरह से जो है आप अपना चैनल को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन सी हमारा जो चैनल है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है ना। तो ये चैनल ऐड हो गया, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में अभी जो आपके चैनल के बारे में है वो आपको मिल रहा है। तो हमारे चैनल पे अभी जो है लाइक आइसक्रीम बिजनेस, आइसक्रीम फ्रेंचाइजी बिजनेस, आइसक्रीम टॉयज, तो ये कुछ जो है ऐसे टॉप कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज जो है मेरे चैनल के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया था और वो काफी पॉपुलर चल रहा है, तो उसी वजह से जो है ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में यू कैन सी आपके पास में डेली आइडियाज, सो बेसिकली आपको डेली टॉप जो ट्रेंडिंग आइडियाज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यू कैन सी अगर आप इनमें से कोई भी लेके चल रहे हो तो आपको जो है ये पूरा यहाँ पे आइडिया दे रहा है, तो आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हैं, हालांकि हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में करेंगे। दूसरी चीज होती है यहाँ पे आपका कीवर्ड्स, तो कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लाइक कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर में आप काम कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे जो टॉप कीवर्ड्स हैं वो इस आइसक्रीम से रिलेटेड ही बता रहा है हमें, क्योंकि वही एक कीवर्ड हमारे चैनल के लिए बहुत टॉप पे चल रहा है। फिर आपका कंपिटिटर, जिसके लिए मैंने आपको बोला कि कंपिटिटर है, तो यू कैन सी ये हमारा खुद का ग्राफ है, तो अगर आपको कोई कंपिटिटर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे राइट। लाइक मैं यहाँ पे जो है कंपिटिटर के एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Learn with TGM कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है वो चैनल देखने को मिल जाएगा जो भी आपको यहाँ पे लेना। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे यू कैन सी ये रहा हमारा चैनल, तो ये मेरा खुद का ही चैनल है, तो मैं इसके यहाँ पे जस्ट ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से इस चैनल को जो है वो ऐड कर सकते हैं राइट। सो ये आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ऐड कंपिटिटर पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही आप करेंगे तो यू कैन सी आपके पास में यहाँ पे दोनों चैनल जो है वो आपके दिखाई देंगे इस तरह से। तो आप यहाँ पे कंपिटिटर्स जो हैं वो देख सकते हैं, या आप सब्सक्राइबर कितने हैं, पब्लिसिटी, अभी इस वाले चैनल ये एक नया चैनल है उस पर अभी कुछ भी हमने नहीं डाला तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, अभी जीरो दिखा रहा है। एवरेज डेली व्यूज कितने हैं, एवरेज सब्सक्राइबर पर डे कितने हैं, एवरेज पब्लिक वीडियोज पर डे कितने पब्लिश होते हैं, तो वो सब डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएगा और नीचे आपके दोनों कंपिटिटर्स का जो है इस तरह से पूरा ग्रोथ दिखाएगा कि किस पे कितना क्या चल रहा है। तो ये आपका कंपिटिटर, और दूसरा आपका यहाँ पे सब्सक्राइबर बूस्ट करने के लिए कुछ आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बट ये सारे जो है प्रो के अंदर आते हैं। तो अगर आप पहले जो फ्री के अंदर यूज करके देखें, जब आप एक बार कंफर्टेबल हो जाएं उसके बाद ही आई वुड रिकमेंड कि आप जो है पेड वर्जन के लिए जाएं, और पेड के लिए आपको सिर्फ अपग्रेड पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको कोई भी अगर इसके रिलेटेड काम करना है तो आपको क्या करना है, डाउनलोड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे इसको आपने ऐड कर देना है राइट, ऐड एक्सटेंशन कर देते हैं सो दैट कि हम इसमें से जो चीजें हमें चाहिए हैं राइट वो हम ले सकें, क्योंकि अभी तक हम मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था, ये सक्सेसफुल हो गया। यू कैन सी वी आर रीडायरेक्टिंग बैक टू, ये हमने बंद कर देना है इसको, सिंपल सा इसको बंद कर देते हैं, हम आपको यहाँ पे लेके आते हैं राइट, वापस हम यहाँ पे आ गए। तो अब जो है अगर मान लीजिए कोई भी वीडियो अगर मैं सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे करता था हूँ डिजिटल मार्केटिंग करके एक बार सर्च करता हूँ, तो जो भी आएगा उसको अपन रिसर्च मान लेते हैं, ये एक अपना कॉलेज करके है, तो इनकी ये मान लेते हैं कि मेरे कंपिटिटर्स हैं राइट। तो इसके बारे में मुझे और डिटेल में जानते, यू कैन सी यहाँ पर जो है हमें इनके बारे में और अच्छे से रिसर्च करके जो है वो पूरा मिल जाएगा ओवरऑल जो थंबनेल, जितना भी इससे रिलेटेड डेटा की रिक्वायरमेंट है राइट, वो डेटा आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में मिल जाएगा। यू कैन सी ये वीडियो आईक्यू आ गया, तो अभी ये जो है पूरा एनालाइज कर रहा है और आपको यहाँ पे थंबनेल का कितना इसको मिल रहा है बेस्ट, और ये आपके पास में कितने व्यूज आते हैं वगैरह वगैरह, सारी ड्यूरेशन वगैरह, प्लस इनका किस तरह से इनका ग्राफ आ रहा है, यू कैन सी ग्राफ आपका ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कितना चल रहा है वो बता रहा है, और इसमें यहाँ पे टैग्स जो है वो टू शॉर्ट है, मतलब टैग्स जो है वो इन्होंने यूज किए वो शॉर्ट है, एंड स्क्रीन नहीं है यहाँ पे जो है नहीं लगाई है, यहाँ पे कुछ आपके पिंड कमेंट नहीं है, हार्ड कमेंटेड नहीं है, तो ये कुछ आपके यहाँ पे जो चीजें बताते हैं जो आपको करनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो मैं जरा इसको एक बार पॉज कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस टू बी प्लेड,
अभी जो है इसके नीचे साइड पे अगर आप आएंगे तो यू कैन सी ये कुछ ऐसे यहाँ पे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, राइट, जो ये अपने वीडियो टैग्स यूज कर रहे हैं। तो अभी ये जो वीडियो टैग्स हैं इसमें देखो कहीं पर भी कोई रैंकिंग नहीं है, तो अगर कोई भी कीवर्ड ऐसा होगा जिस पे रैंकिंग होगी तो उस पे लिख के बताएगा कि ये कीवर्ड जो है इसमें रैंक कर रहा है। तो एक तो एग्जांपल के लिए अभी इसमें नहीं है इतना, तो अपने काम करते हैं, वी कैन लेट्स से मैं अपना ही टेक गुरु मंजीत करके एक ओपन कर लेता हूं अपने ही चैनल पे, लेट मी सी कि अगर कोई मिल जाए, लाइक एक कोई एक वीडियो ले लेते हैं, राइट, ये फुल कोर्स 8 आवर्स का ले लेते हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर जो हम चला रहे हैं उसके अंदर कोई कीवर्ड है जो आगे टॉप पे आ रहा है, तो वो भी आप आसानी से रिसर्च कर सकते हो, सो दैट कि आप उससे रिलेटेड और अच्छे से मेहनत कर सकें। तो इसको जो है अपन पॉज कर देते हैं, तो पॉज करके यू कैन सी यहाँ पे जो हमने डाल के रखे हैं वो सब आ गया, नीचे विड आई क्यू का पूरा भी डिटेल एनालाइज आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा जो है यू कैन सी अपडेट हो रहा है ये सारा का सारा। तो ये आपका जो है यू कैन सी ये ग्राफ इसका पूरा बता रहा है कि किस तरह से। अब यहाँ पे टाइटल जो है टू लॉन्ग है, मतलब इसका जो टाइटल दिया गया वो बहुत ज्यादा लंबा है, शॉर्ट होना चाहिए था, ये देखो हमारी खुद की गलती हमने पकड़ी इसमें। अब जो यहाँ पे कीवर्ड्स जो टैग्स इस्तेमाल किए गए हैं तो उसमें जो है कोई भी रैंक नहीं कर रहा है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसा किसी भी नंबर पे रैंक नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आप देखते हैं वीडियो जो टैग्स हैं इसमें यहाँ पे दिखाई ये ऊपर आई थिंक वो टू बडी का है, राइट, ऊपर वाले जो है ये टू बडी वाले हैं, तो हमें जो चाहिए वो विड आई क्यू की बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि टेक गुरु मंजीत के अगर कोई सर्च करता है तो ये आपका 29 नंबर पे आ रहा है, और अगर CCN ने 200301 फुल कोर्स इन हिंदी लिख के आ रहा है तो 9th नंबर पे आ रहा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे रिसर्च कर सकते हैं कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं अपने कंपटीटर के जिसके ऊपर उनको काफी ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं और वो नंबर 1 पे आ रहा है कीवर्ड। सो यू कैन सी ये जो कीवर्ड्स हैं ये हम अपने किसी भी लेटेस्ट उस सेम टॉपिक के अंदर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर ये कीवर्ड्स को हम जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया अपने कंपटीटर को एनालाइज करने का। टूल्स मैंने आपको बताए, 2 टूल्स आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे विड आई क्यू कर सकते हैं, आप यहाँ पे टू बडी कर सकते हैं। तो मैं टू बडी और विड आई क्यू जो है मेरे कुछ चैनल है जहां पे हम विड आई क्यू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चैनल है जहां पे हम जो है टू बडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप पेड वर्जन में जाएंगे तो डेफिनेटली पेड वर्जन में जो है आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि मेरा जो पेड वर्जन है वो मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके अंदर मैंने अपने कंपटीटर्स कौन कौन से ऐड करके रखे हैं वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैंने वो पेड वाला नहीं बताया। लेकिन फ्री के अंदर कैसे आप यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा है चीज है, बहुत अच्छा आपको जो है आगे बूस्ट करने को जो है आपको मिल जाएगा। आई होप गाइस कि ये जो कंपटीटर एनालाइजर है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से एनालाइज करना है अपने कंपटीटर को, वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अंदर जो है आपको एक नए टॉपिक के अंदर नए जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।